नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उन तमाम स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ जो लोग TGT वर्क एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पेपर और आंसर की इसका वेट कर रहे थे, और हम आपको क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर के बाद कौन सा CBSE ने आंसर दिया है वो हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। चूज द वर्ड, क्वेश्चन नंबर जो वन था ये इंग्लिश का पेपर था, और इंग्लिश के पेपर में ये पूछा गया था कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था उसको पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका आंसर करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि फ्रेंडली का सिमिलर पूछा था। देखिए फ्रेंडली का सिमिलर उन्होंने पूछा था, तो फ्रेंडली का सिमिलर क्रियूल तो होगा नहीं, हार्ड भी नहीं होगा, हॉस्टाइल भी नहीं होगा, एमिसिएबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन फोर करेक्ट है। ठीक है, फोर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो अगला क्वेश्चन था उन्होंने कि चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका क्या था, सिनोनिम्स पूछा था, ग्रेसियस, ग्रेसफुल, पोलाइट, गुड, हैंडसम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा पोलाइट। ठीक है, ऑप्शन टू इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, CBSE ने ये अपना जो आंसर शेयर किया है और वो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि पहले दो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन्होंने जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 183, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन बिलो इनिशियल। इनिशियल का क्या हो जाएगा, फाइनल, और अकॉर्डिंग टू CBSE भी हमारा ये ऑप्शन सही है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वन गिवन बिलो, मोबाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो माई ब्रदर इज कमिंग टू स्टे हियर, रुकने के लिए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके आंसर की में क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये, वैसे क्वेश्चन आईडी वाइज ये इस रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन नंबर 186 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी आंसर शीट में जो था, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द बुक कंटेन्स लॉट ऑफ वर्दी रिमार्क्स। ठीक है, तो लॉट ऑफ वर्दी रिमार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू CBSE जो आंसर है वो नाउन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द ऑप्शन इन विच जंबल्ड वर्ड फ्रेज लेवल अरेंज टू मेक द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, जो CBSE ने अपना करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है इस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ रिस्पॉन्स करेक्ट है, ये वाला। आप लोग अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, जो ऑप्शन आपने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा रिस्पॉन्स गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश का, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू CBSE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द फॉलोइंग जंबल वर्ड हैव बीन अरेंज्ड टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 8 का जो रिस्पॉन्स है वो CBSE ने फर्स्ट को दिया है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन 1 को करेक्ट किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो आपकी आंसर की होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश के फॉर्म में आएगा, तो ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189 और इंग्लिश का ये 9th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि चूज द ऑप्शन इन विच वाइज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड एंड ही डज नॉट पर्टिकुलरली लाइक द वर्क, द वर्क इज नॉट लाइक बाय हिम, द वर्क इज नॉट पर्टिकुलरली लाइक बाय हिम, द वर्क इज नॉट लाइक्ड पर्टिकुलरली बाय हिम, द वर्क इज जनरली लाइक बाय हिम। तो CBSE ने जो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 2 दिया है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, द वर्क इज नॉट पर्टिकुलरली लाइक्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज, हैव यू रिटन द लेटर, हैव यू रिटन द लेटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन CBSE ने दिया हैज द लेटर बीन रिटन बाय यू। ठीक है, हैज द लेटर बीन रिटन बाय यू,
देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फोर का जो ऑप्शन है वैसे तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वन होगा। बहुत सारे लोगों ने फोर्थ भी लगाया होगा तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये इंटरोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191 और क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट, आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 192 में उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 192 और इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 12 आपके आंसर की के अकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर योर 4 ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हमसे क्वेश्चन नंबर 193 में पूछा था, 193 में पूछा था कि ही वॉज हिट ए कार डैश द रोड। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ही वॉज हिट बाई ए कार ऑन द रोड, ही वॉज हिट बाई द कार ऑन द रोड। ठीक है, तो ऑप्शन जो क्या करेक्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपकी आंसर की में इंग्लिश का, और क्वेश्चन नंबर 194, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल ऑप्शन, माई लैपटॉप हैज रन, माई लैपटॉप हैज रन आउट ऑफ चार्ज। ठीक है, माई लैपटॉप हैज रन आउट ऑफ द चार्ज, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन 3 करेक्ट है, माई लैपटॉप हैज रन आउट ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है ये, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, द जेंडर सेड, द गार्डनर सेड प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। ठीक है, तो द गार्डनर ऑर्डर द पब्लिक टू कीप ऑफ द ग्रास, द गार्डनर टोल्ड द पब्लिक टू कीप ऑफ द ग्रास, द गार्डनर रिक्वेस्टेड द पब्लिक टू कीप ऑफ द ग्रास, द गार्डनर एडवाइज द पब्लिक टू कीप ऑफ द ग्रास। क्वेश्चन नंबर 15 में जो करेक्ट ऑप्शन है इनटू इनडायरेक्ट नरेशन का वो क्या होगा, द गार्डनर रिक्वेस्टेड द पब्लिक टू कीप ऑफ द ग्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस थे जहां पे हमें आंसर्स मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हिंदी का, क्या आ जाता है हिंदी का, तो हिंदी में हम लोग मूव करते हैं, हिंदी में ये पैसेज दिया गया था और इन पैसेज पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं पैसेज का डिस्कशन ना करते हुए डायरेक्ट आंसर्स को डिस्कस करता हूँ। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर आपकी आंसर की में हिंदी का क्वेश्चन नंबर 16 है आंसर की में, और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 196 है, तो डो नॉट कंफ्यूज। इसमें ये पूछा गया था करुणा का प्रसार आवश्यक है, तो करुणा का प्रसार आवश्यक क्यों है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आया था ऑप्शन 4 आया, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, यहीं पे आंसर लिखा हुआ है, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। तो अगर आपने आंसर अपने पैराग्राफ को बहुत आसानी से पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आंसर भी दे दिया होगा, और यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 167, ये 167 187 है हमारे लिए, और आपके यहाँ जो आपकी आंसर की है उसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो ऑप्शंस आया है वो पूछा है समाज में एक दूसरे की सहायता क्यों, तो एक दूसरे की सहायता इसलिए की जाती है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने आंसर दिया है, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपने सामर्थ्य से होती, अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, सीबीएसई ने ऐसा पेपर बनाया है कि आंसर डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखने की जरूरत है, यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 198 आंसर की में क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना। ठीक है,
परस्पर सहायता की जो सच्ची उत्तेजना है, देखें यहां से क्या क्या दिखा है, परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन मिलेगा करुणा से ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, उसने हर लाइन का पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया है और सीबीएसई ने भी ये ऑप्शंस करेक्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में एक दूसरे की सहायता के लिए सवाल पूछा गया था पैराग्राफ पे बेस पे, अगर आपको देखना है कि परस्पर, ठीक है, संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती बल्कि मन को स्वतः प्रवृत्ति करने वाली प्रेरणा से की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है, सीबीएसई ने जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, स्वतः प्रवृत्ति करने वाली प्रेरणा से दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन पैराग्राफ में भी साफ साफ दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है, तो सीबीएसई ने भी ऑप्शन 3 को करेक्ट माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि से तात्पर्य है, दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि से तात्पर्य है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती बल्कि मन को स्वतः प्रवृत्ति करने वाली की जाती है। तो दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि से क्या तात्पर्य है, दूर दृष्टि। ठीक है, क्या है, दूर दृष्टि। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, सीबीएसई ने भी ऑप्शन 2 को करेक्ट माना है। अगले सवाल उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, सुभाष, कावेरी, पहाड़ और गंगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन, ऐहिक शब्द का विलोमार्थिक शब्द है, ऐहिक शब्द का विलोमार्थिक शब्द जो है, ऐहिक शब्द का विलोमार्थिक शब्द जो है वो क्या होगा, लौकिक होगा, सांसारिक होगा, मायावी होगा, पारलौकिक होगा, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट है वो पारलौकिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज गलत। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो शशि, मयंक और राकेश होंगे। ठीक है, शशि, मयंक और राकेश होंगे, अर्क नहीं होगा, बट ऑप्शन में नहीं पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा और सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सीबीएसई के आंसर कीज में क्वेश्चन नंबर 24 हिंदी का अगर मैं देखता हूं, तो हिंदी का देखता हूं कि देवालय शब्द का उदाहरण जो है वो क्या है, देवालय शब्द का उदाहरण है तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का, देवों का आलय, देवालय, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन में बारे में बात करता हूं, तो ये तत्पुरुष समास जहां पे उत्तर प्रधान होता है और यहाँ पे तत्पुरुष समास दिया गया, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। ठीक है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सीबीएसई ने सज्जन, तल्लीन, उद्धार, नाविक शब्द नहीं है, तो जो स्वर संधि वाला शब्द कौन सा है, नाविक है। ठीक है, बाकी ये तीनों स्वर संधि वाले शब्द नहीं है। सीबीएसई ने जो ऑप्शंस दिए हैं 1, 2 और 3, तो इस क्वेश्चन में अगर आपने 1, 2, 3 लगाया है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 26 अगर मैं बात करता हूं हिंदी में जो आंसर किया, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण कहां नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 27 में उन्होंने क्या पूछा है कि तद्भव, तत्सम और तद्भव का संगत युग्म क्या है। देखिए जनरली हमारी आदत जो होती है वो तद्भव और तत्सम, शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध की तरफ होती, लेकिन तत्सम यहां पे शुद्ध और अशुद्ध का जो कपल है उसके बारे में पूछा गया। तो यहां पे क्वेश्चन में जो 27 है वहां पे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, ग्राम का गांव, ठीक है, कुपुत्र का कुपूत,
ऊपर ही ऊपर ओठ होठ होंठ। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो आप देखिए, वो तो कुछ ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर सही नहीं है? ये सही नहीं है, ओठ होंठ। ऑप्शन नंबर फोर्थ सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो ये सही नहीं है। ठीक है, एकार्थी शब्द है निम्नलिखित में से, जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें एकार्थी शब्द पूछा गया है, तो कलंक अली आम कल, तो एकार्थी शब्द है कलंक। ऑप्शन बी सी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया गया है करेक्ट वो कलंक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर मैं मूव करता हूं हिंदी के, तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सटीक अर्थ है, चालाकी दिखाना, चिढ़ाना, धोखा देना, मौके पर इनकार करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी इसका करेक्ट ऑप्शन फोर है, मौके पर इनकार करना, सीबीएसई ने जो दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो दुरावस्था, जगत गुरु, निश्वास, सन्मार्ग। तो वर्तनी की दृष्टि जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? सन्मार्ग। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आप यहां पे सही। तो ये तो हमारे कौन से पेपर हुआ, हमने इंग्लिश और हिंदी को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक आपकी आंसर की में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे हम लोग एक एक करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया था कि व्हाट इज विद्यांजलि लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 21, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th, ए पोर्टल इनेबलिंग कम्युनिटी वॉलंटियर्स टू इंटरेक्ट विद स्कूल, फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम, प्लेटफॉर्म टू एक्सेस स्टडी मटेरियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सीबीएसई ने ऑप्शंस करेक्ट किया है वो दिया हुआ है, समुदाय एवं स्वयं सेवकों द्वारा स्कूलों से परस्पर क्रिया करने के समर्थ बनाने वाला एक पोर्टल। ठीक है, विद्यांजलि, पोर्टल इनेबलिंग कम्युनिटी वॉलंटियर्स टू इंटरेक्ट विद स्कूल। ठीक है, सो ऑप्शन 31 जो है उसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि व्हाट वाज द बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड ऑन द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया इन 21-22। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके आंसर की में दिया है और क्वेश्चन नंबर आईडी 212 की बात करूं, तो यहां पे इसका जो सीबीएसई ने करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है 2.1% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, 2.1% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 बोला है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स इन द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी 213 का जो आंसर है, उन्होंने क्या दिया है, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। ठीक है, सीबीएसई ने जो ऑप्शन करेक्ट माना है वो ये माना है। ठीक है, हु वाज डॉली द फर्स्ट मैमल टू हैव बीन सक्सेसफुली कोन फ्रॉम एडल्ट सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 214 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए मंकी, ए सिप, ए डॉग, ए पिग। सीबीएसई ने जो करेक्ट ऑप्शन माना है वो क्या माना है, ए सिप माना है। आप लोग इसको सर्च भी कर लिएगा, एक सिप थी। ठीक है, हु इज द व्हाट वाज द ऑपरेशनल फ्लड व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1970 इन इंडिया। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का क्या मतलब था, तो पैन इंडिया फोर्सेशन प्रोग्राम इंस्पायर्ड बाय द चिपकू मूवमेंट, निकनेम फॉर द 5-year प्लान एम्फसाइज ऑन द बिग डैम्स, एंटी डिस्प्लेसमेंट फोरम क्रिएटेड बाई द कोस्टल फिनिशिंग कम्युनिटी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग मिल कोऑपरेटिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 215 का जो ऑप्शन है वो ये है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग मिल कोऑपरेटिव्स। तो ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट माना है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 215 का जो क्वेश्चन सही होगा वो क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग मिल कोऑपरेटिव्स, ऑपरेशन फ्लड का। ठीक है, और
हु वाज द फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न इन इंडिया? तो अरुणा अशरफ अली, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? मदर टेरेसा मैम को मिला था, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट मूवमेंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट बी द मिटिगेशन टेक्निक टू मैनेज लैंडस्लाइड्स? ठीक है, भूस्खलन के बारे में पूछा है, नहीं, नॉट द मिटिगेशन टेक्निक्स, कम करने की तकनीक नहीं होगी। ये देखो ध्यान से क्या पूछा है कि नहीं होगी, यहां पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट रॉक्स एंड डेब्रीज, रिमूवल ऑफ द रिटेंशन वॉल टू अलाउ स्मूथ एग्जिस्ट ऑफ रॉक एंड डेब्रीज डाउनवर्ड्स, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल टू चेक द मूवमेंट ऑफ द डेब्रीज एंड रॉक अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। नहीं होगी, रिमूवल ऑफ द रिटेंशन वॉल्स टू अलाउ स्मूथ एग्जिट ऑफ द रॉक डेब्रीज। अरे भाई जाने कैसे देंगे आप, पत्थरों को गिरने कैसे देंगे, चट्टानों और मलबों को नीचे होकर आसानी से जाने, और वो दीवारों को हटाना, दीवारों को क्यों हटा देंगे भाई, ये तो बिल्कुल तरीका गलत है। देख देख के आंसर सही लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड ही करेक्ट ऑप्शन होगा, और सीबीएसई ने भी यही ऑप्शन करेक्ट माना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801 आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वुल्फटोन? ठीक है, तो सीबीएसई ने जो इसका करेक्ट ऑप्शन सजेस्ट किया है वो क्या सजेस्ट किया है? वेल्स सजेस्ट किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 218 आपके ऑप्शन में 38 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या सजेस्ट किया? वेल्स। क्वेश्चन नंबर 219, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज बेस्ड ऑन द शॉर्ट उर्दू स्टोरी रिटन बाय स्मार्ट चुगताई एंड वॉज द सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया? सो क्वेश्चन नंबर 219 जो करेक्ट ऑप्शन है, गर्म हवा 1973 ये फिल्म रिलीज हुई थी, भारत के विभाजन पे बनी थी, और इसमत चुगताई जी द्वारा लिखित लघु उर्दू कहानी थी। तो सीबीएसई ने इस ऑप्शन को करेक्ट माना और ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में पूछा है, एंड देयर कंट्रीज इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहां पे इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछा गया है। ये हमारे डैंग हमस जोड हैं ऑस्ट्रिया के, ठीक है, और यू थंट बर्मा के हैं, कोफी अन्नान घाना के हैं, बानकी मून साउथ कोरिया के हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शंस सीबीएसई ने दिया और है भी, वो है डैंग्स हेमस्कोड ऑस्ट्रिया के। ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 220 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 होगा। देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है भारत की परमाणु नीति के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि भारत की परमाणु नीति के बारे में, भारत ने होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1940 के उत्तरार्ध में परमाणु कार्यक्रम में निवेश करना शुरू किया। बी ऑप्शन है द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज वेर एस्टेब्लिश्ड इन द डिकेड्स ऑफ 1970 आफ्टर द वॉर विद पाकिस्तान। इंडिया हैज नॉट साइन द कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो। ए ऑप्शन केवल करेक्ट है, सी ऑप्शन केवल करेक्ट है, ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, और बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ओनली ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 221 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव किया हमने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन म्यूजिक। पुरानंदरा दासा इज नोन एज द फादर ऑफ द हिंदुस्तानी जेनर ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। एम एस सुब्बुलक्ष्मी वॉज एसोसिएटेड विद द कर्नाटिक म्यूजिक, वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन इवर टू बी गिवन द भारत रत्न। बेगम अख्तर वॉज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोट्स बिलो। क्वेश्चन नंबर 222, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो
अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ओनली बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर क्वेश्चन ऑप्शन टू इज करेक्ट, ऑप्शन टू इज करेक्ट. ओके सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्ड वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव अकम इन द फील्ड ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट. क्वेश्चन नंबर 223, यपचुंग काजी, बी एम रेड्डी, सतराज नारायण माथुर, गोपाल चंद्र बिस्वास. तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड. तो ये अवार्ड मिला किसे था, ये यपचुंग काजी हैं. सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है और यही ऑप्शन करेक्ट भी होगा. देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 224 है, 224 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज करेक्ट अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी. वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा होती है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा होती है. ठीक है, तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक तो वोलेटाइल होती है, ठीक है, और वोलेटाइल के साथ साथ वो वोलेटाइल नहीं होती, नॉन वोलेटाइल होती है, और नॉन वोलेटाइल के साथ साथ वो क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा होती है. ठीक है, क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा होती है. तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये क्वेश्चन नंबर 3, बी एंड सी इज करेक्ट. ओके, तो यहां पे ये आंसर आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. वेयर वॉज द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिसंबर 22, मॉन्ट्रियल कनाडा, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, सियोल साउथ कोरिया. तो दिस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड मॉन्ट्रियल कनाडा. अगर आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स भी आपके दिमाग में होगा तो यहां से भी आप अगर गेस किया होगा तो आपका आंसर सही हो गया होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 225 का जो आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अब देखिए यहां पे ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 226, मैच द कंट्रीज गिवन द लिस्ट 1 एंड रैंक इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 22 इन लिस्ट 2. देखिए फिनलैंड 1, इंडिया 68, बांग्लादेश 80, चाइना 25. यहां पे जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ए फर्स्ट, फिनलैंड फर्स्ट, बी टू, बांग्लादेश थर्ड एंड चाइना इज फोर्थ. ये इसकी रैंकिंग है और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हार्मोनियल स्टिमुलेशन इज यूज टू ब्रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश इन पॉन. देयर इज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी फिश सीड्स ड्यू टू द फैक्ट दैट मेनी फिश स्पाइसेस ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून. ठीक है, सो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारे जो assertion है, रीजन है, दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज also करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहां पे. क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ मूव करते हैं. फॉलोइंग इज नॉट एन आउटर प्लैनेट, बाहरी ग्रह नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटर प्लैनेट, नॉट एन आउटर प्लैनेट है. यहां पे ध्यान रखिएगा नॉट एन आउटर प्लैनेट, तो क्या है हमारा, मार्स. ठीक है, मार्स हमारा आउटर प्लैनेट नहीं है. अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. 229, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्ष्य सेन, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन द डिसिप्लिन ऑफ बैडमिंटन फ्रॉम इंडिया. ही वाज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 2022. He is the winner of the gold medal individual in the Commonwealth Games 2022. He is the winner of the gold medal in the Commonwealth Games 2022 for the team.
सो करेक्ट ऑप्शन इज ही वॉज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 2022. दिस वन इज करेक्ट एंड इज द विनर ऑफ द गोल्ड मेडल इंडिविजुअल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022. सो करेक्ट ऑप्शन इज नॉट एन ए. A is correct and B is correct. So according to the answer given by the CBSE, question option 3 is correct. A and B. Option A and B. Okay. Question number 230. और answer की में अगर आप देखेंगे तो question number 50 होगा ये. Consider the following statement is regarding the Asian Pacific Postal Union. Which was its headquarters in the Bangkok, Thailand. An Indian has taken the charge of the Secretary General of the APPU for a tenure of the 4 years. This is the only second occasion when an Indian is leading in the international organization in the postal sector. So which option is correct? Okay. India has taken the charge of the Secretary General of the APPU for a tenure of the 4 years starting January 23. Okay. So only option A is correct. Only option A is correct. B is wrong. So answer is only option A is correct. Okay. Only A is correct. Fine. So option number 1 is correct. So ये आपके कौन-कौन से questions के answers थे? English, Hindi, general knowledge. Next हमारा होता है reasoning, computer literacy और work experience का. तो वो हम अभी coming वीडियोस में आपको अपडेट करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में जिसमें हम रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी और वर्क एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो TGTWE का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अब हम लोग रीजनिंग पार्ट का डिस्कशन करेंगे. रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हमें पूछा गया, पहला क्वेश्चन यह था कि CAP, EEN, IMJ, QQQJ, MUH इस तरीके से पैटर्न्स दिया गया. और पैटर्न्स देने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि इसका करेक्ट जो मिसिंग होगा वो क्या होगा. तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सी के बाद डी मिस हुआ है, फिर ई आया है, ई के बाद एफ मिस होगा तो जे आएगा, जी आएगा. ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे. ठीक है, अब जी एच के में है तो ए के बाद बी सी डी मिस हुआ, ई के बाद एफ जी एच मिस हुआ. ठीक है, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो जी आई एल टू. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा और सीबीएसई की तरफ से भी यही आंसर करेक्ट है. ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये. और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, ये देखो, ए बी सी डी एफ जी एच आर द नेम ऑफ टू गैसेस, थ्री सॉलिड्स एंड टू लिक्विड्स. बी जी डी आर नॉट सॉलिड्स, ई एफ आर नॉट गैसेस, सी इज सॉलिड बट ए इज लिक्विड, बी एफ एंड जी आर नॉट लिक्विड, विच आर द थ्री सॉलिड्स. तो जो हमें आंसर्स सीबीएसई की तरफ से आया है वो आया है कि जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी ई और एफ हमारे क्या है, थ्री सॉलिड्स हैं. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो जिनके ऑप्शन सी ई एफ है उनको पूरे नंबर मिलेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इन द डिटेल्स, वी विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दिस सॉल्यूशन, एंड नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड जस्ट देयर आंसर्स. ओके, अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो अगले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं. फाइव आइटम्स हैं मेनू में लंच के लिए, डिसाइडेड फ्रॉम मस्ट फाइव डिशेस पी क्यू आर एस एन टी. फोर आर द बेवरेजेस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड फॉलोइंग कंडीशन. ठीक है, पी और जेड हमारे साथ नहीं रह सकते, डब्ल्यू कैन नॉट पुट विथ वाई, एस एंड एक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, आर एंड टी हैव टू बी टुगेदर, वाई कैन नॉट सिलेक्टेड विथ क्यू. तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो आप चेक करिए. ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पे आप देखिए पी क्यू डब्ल्यू एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा. अगर आपका आंसर ये आया है तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं.
राम सीला करीम और राजू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड गेम एंड राम एंड करीम एंड सीला राजूज आर पार्टनर्स. राजू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द करीम. द फेस ऑफ करीम इज टुवर्ड ईट्स फाइंड द डायरेक्शन दैट सीला इज फेसिंग. तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कौन से डायरेक्शन में वो बैठी है, तो ये मतलब आपको थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, फिगर बना के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर का आइडिया लग जाएगा. और जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है कि सीला का जो फेस है वो साउथ की तरफ हो रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन है. नो, दिस इज अ स्लो एग्जाम के क्वेश्चन है थे. इसमें क्या पूछा गया था कि डिफिशियंसी डिजीज इन अर्ली चाइल्डहुड हैव अ लाइफ लॉन्ग इफेक्ट ऑन ए पर्सन हेल्थ. ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या था कि प्रेग्नेंट लेडीज एंड मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन शुड बी मेड अवेयर ऑफ द बैलेंस डाइट. फास्ट फूड आउटलेट शुड बी बैलेंस बैंड नियर एंड अराउंड प्राइमरी स्कूल. ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीजें जो स्टेटमेंट है उसको केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकेंड फॉलो नहीं कर रहा है. बट करेक्ट है, सही होना चाहिए कि मतलब बच्चों को जितना फास्ट फूड से अवॉइड करेंगे उतना अच्छा होगा. तो केवल पहला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा. सीबीएसई की तरफ से भी यही गाइडलाइंस है आंसर की लिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये उन्होंने पूछा है कि सर्टेन लैंग्वेज में AWAKEN को इस तरह से लिखा जाता है और इसको कैसे लिखा जाएगा उसी लैंग्वेज में. तो देखिए उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 238 जो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 238 है, इसमें जो पूछा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये. यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो MLVWGQ आएगा करेक्ट ऑप्शंस. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा. अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, सॉल्व करिए. अगले क्वेश्चंस में उन्होंने ये बोला है कि कुछ M star N का मतलब है कि N is husband and M is wife. M delta triangle N means M is father of N. M percentage N means M is son of N. How is A is related to D in the given statement? ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ब्रदर आएगा. ठीक है, जो करेक्ट आंसर है अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा, तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिए. ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, नहीं करेक्ट है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज गिवन बिलो फॉलोइंग द टू स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू है. ठीक है, विच आइटम अमंगेस्ट यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई इज द हैवीएस्ट. यू इज हैवियर देन वी बट वाई इज नॉट द हैवीएस्ट. डब्ल्यू इज हैवियर देन यू बट एक्स इज नॉट हैवीएस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं कि स्टेटमेंट वन इज अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट टू इज अलोन इज sufficient to answer the question, and both the statement are together are necessary to answer the questions. Both the statement one and two together are not sufficient to give the question. ठीक है, ठीक है, पांच चीजें हैं उसमें. अगर आपको क्या कहते हैं heaviest और lightest की बात कर रहा है ये, तो आप without सारे की information के बिना नहीं कर सकते. ठीक है, तो options three is correct. Both statement one and two together are necessary to answer the question. ठीक है, correct option ये हो जाएगा. और आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए कि आपने क्या इसको क्विक किया था. सीबीएसई का भी आंसर थ्री है. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. पी बी से छोटा है, जी टी के इक्वल है, बट पी लेस देन और इक्वल है, और क्यू हमारा बी से बड़ा भी है और इक्वल भी हो सकता है. कंक्लूजन में लिखा क्या है, जी लेस देन पी और क्यू ग्रेटर देन पी. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं. पी बी से छोटा है, ठीक है, ठीक है, पी हमारा बी से छोटा है और टी इज लेस देन पी. ठीक है, यहां पे तो टी हमारा लेस देन पी हो जाएगा और यहां पे जी टी के बराबर है. फाइन, और Q हमारा B से बड़ा भी है और छोटा भी है. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि G हमारा P से छोटा है, तो
तो जी देखिए, छोटा तो बिल्कुल सही बात है, जी पी से मेरा छोटा तो है ही है, लेकिन इन इक्वलिटी लगी है। सेकंड क्या, क्यू इज ग्रेटर देन पी, बिल्कुल सही बात, क्यू ग्रेटर देन पी है। तो अगर मैं पार्शियली, फर्स्ट करेक्ट है हमारा, फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये कंप्लीटली नहीं करेक्ट है, यहाँ पे इनइक्वलिटी भी लगी हुई है। क्यू हमारा डेफिनेटली करेक्ट है, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन वो क्या आएगा, ओनली टू इज करेक्ट, फाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ, गर्ल्स है हमारे पास, MNSRPT सिटिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ हेक्सागन टेबल, ठीक है, हेक्सागन टेबल की तरफ बैठी हुई है और कंडीशंस दी गई है, अपन को कंडीशंस को फॉलो करिए, ठीक है। ऐसे हेक्सागन टेबल है हमारे पास, वहां पे बैठी हुई है सेंटर, M इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू NRS, R इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू SNP, NNS आर एडजेसेंट T इन द मिडल ऑफ RS, RNS, हु इज सिटिंग अपोजिट टू P, ठीक है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू P। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको चूज करना है। तो CBSE के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है वो क्या है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू पी, वो क्या है, टी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर लेबल्ड एज अ एसर्शन एंड रीजन, करिकुलम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू एज ऑफ चाइल्ड, रीडिंग रेडीनेस टू लर्न डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। यहाँ पे अगर मैं आपको देखते हैं तो यहाँ पे करिकुलम इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है, रेडीनेस टू लर्न डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसको पढ़ने या तो उसके डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करेगा ना, दोनों डिपेंड करता है, एंड एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है, तो हमारा जो रीजन है वो भी एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर सीबीएसई ने भी वन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, ऑटोमेशन बनाना है, कौन से लेटर से बन नहीं सकता, आउटिंग, मोशन, टोमेटो, मूड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे जी है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे यहां से नहीं बन पाएगा क्योंकि ए इज ऑल्सो मिसिंग है और कई सारे और वर्ड भी मिसिंग है, तो आउटिंग जो हमारा वर्ड है इससे हमारा नहीं बन पाएगा, और बोला है किससे नहीं बन पाएगा, तो ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई की तरफ से जो आंसर आया है वो भी यही आंसर है, फाइन। सेवन टीचर्स ABCDEFG आर अटेंड सेमिनार ऑन एन इवेंट डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, फाइव टीचर अटेंड द सेमिनार बिटवीन ई एंड ए, हु अटेंड द सेमिनार ऑन द डे स्टार्टिंग विद एस, जी अटेंड द सेमिनार आफ्टर एफ बिफोर डी बट बिफोर डी, दे आर एज मेनी टीचर्स अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर बी एज आफ्टर सी, ए डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन संडे, हु अटेंड द सेमिनार ऑन द थर्सडे। ये पजल है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा करेक्ट, और सीबीएसई की तरफ से भी यही डी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट आर गिवन विथ ईच बीइंग असाइंड ए नंबर, ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट आर गिवन विथ ईच बीइंग असाइंड ए नंबर, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स असाइंड अकॉर्डिंगली विल बी मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो ALRUN है, तो आप इसको अलग अलग करके देख सकते हैं और उसके बाद जो आपका आंसर बन के आएगा वो क्या बनेगा, अगर आप इसको एक तरीके से फॉर्म करके देखिए, लाइक LUNAR, तो आप देखिए कि लूनार एक वर्ड है,
जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है, और ये किससे किस कॉम्बिनेशन से बनेगा, थर्ड के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और आपका करेक्ट आंसर भी यहीं से यही हो जाएगा। सीबीएसई ने भी अपना जो आंसर दिया है वो भी यही दिया है, ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कॉम्बिनेशंस कंक्लूजन नंबर वन एंड नंबर टू। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट एंड डिसाइडेड विच इज द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। सम पोएम्स आर सॉन्ग्स, ठीक है, सम पोएम्स आर सॉन्ग्स, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, सम पोएम्स आर सॉन्ग, अगर मैं इनको सॉन्ग्स ले लेता हूं, सम पोएम्स, कुछ पोएम्स हमारी सॉन्ग्स हैं, ठीक है, ऑल सॉन्ग्स आर मेलोडी, ठीक है, अगर मैं सॉन्ग्स की बात करता हूं तो सारे जो जितने भी सॉन्ग्स हैं वो मेलोडी में आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आए। सम पोएम्स आर मेलोडी, बिल्कुल सही बात है, एंड सम मेलोडीज आर सॉन्ग्स, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां पे आंसर्स की बात करता हूं, इसके आंसर्स की बात करता हूं, तो जो हमारा आंसर्स है वो दोनों कंक्लूजन्स को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, और क्या आ जाएगा, ये आंसर फोर्थ मिल जाएगा, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फन इज बैड इज रिटन एज 1 2 3, बैड इज रॉन्ग इज रिटन एज 4 3 1, फन इज रॉन्ग इज रिटन एज 2 1 4, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड बैड, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो फन इज बैड, ठीक है, 1 2 3, और बैड इज रॉन्ग, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 4 3 1, एंड फन इज रॉन्ग क्या है, 2 1 4, देखिए फन इज बैड, ठीक है, फन इज बैड, ओके, तो यहां पे देखिए बैड इज रॉन्ग एंड फन इज रॉन्ग, ठीक है, समझ में आया, बैड इज रॉन्ग है फिर फन इज रॉन्ग है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है इस कोड लैंग्वेज में किस कैसे आप निकालेंगे, जो कोडिंग करके इस तरीके से, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो कोड फॉर बैड इन दिस लैंग्वेज इज थर्ड, ठीक है, तो नोटेड डाउन, सीबीएसई की तरफ से भी करेक्ट ऑप्शन यही है। अगला सवाल उन्होंने दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू अपोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 5 डॉट्स, ओके, तो अगर आप अच्छे तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को, तो 5 डॉट्स के अपोजिट जो डॉट्स हैं वो कौन से डॉट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 5 डॉट्स, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, जो 5 के अपोजिट वाले डॉट्स है उसमें 5 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ, सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, सेट ऑफ द क्लासेस सिंगर्स डांसर्स एंड म्यूजिशियंस, सिंगर्स डांसर्स एंड म्यूजिशियंस, जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस बन रहा है सिंगर्स डांसर्स और म्यूजिशियंस का, वो अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई आंसर कीज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस होता है तो आपके पास विंडो ओपन होगी चैलेंज करने के लिए, बट सीबीएसई की तरफ से जो ऑप्शंस आया है सिंगर्स डांसर और म्यूजिशियंस को एक साथ रखने का वो ये है। अगर आपका ये आंसर सही है तो आपको अभी एक नंबर मिलेगा, और अगर आपका ये ऑप्शन नहीं है तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। चैनल पे अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छा लगे, इस तरह से अपडेट्स हम आपको ले आके देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा जरूर आपको कोई क्वेरी है तो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस करते हैं। एक कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्मॉलर वर्जन ऑफ इमेज इज नोन एज क्लिप आर्ट,
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी, थंबनेल बिटमैप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, थंबनेल है। कभी भी आप वीडियो जब आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो आप देखिए कि आप अपने वीडियो को समराइज फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म में उसका एक थंबनेल बना के डाल देते हैं। वीडियोज आप देखो, देखिए जैसे स्टोरी है या कोई पेज है उसका आप थंबनेल बना के डाल देते हैं, तो स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज नोन एज थंबनेल। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीएनजी जो है एक्सटेंशन होता है, और क्लिप आर्ट हमारी एक तरह की आर्ट होती है, और जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है हमारा इसमें थंबनेल है। सीबीएसई ने भी अपना ऑप्शन थंबनेल ही दिया है। ठीक है, द टर्म मॉर्फिंग विद रिस्पेक्ट टू एनिमेशन मीन्स, टर्म मॉर्फिंग विद रिस्पेक्ट टू एनिमेशन मीन्स क्या है, चेंजिंग द शेप ग्रेजुअली फ्रॉम वन टू अनदर, चेंजिंग द शेप फ्रॉम ग्रेजुअली फ्रॉम वन टू अनदर, मॉर्फ करना। ठीक, तो ये चीज आप समझ आपने सुना होगा। Which of the following an example of an audio file? Which of the following an example of an audio file? तो ये क्या है? Music.png, Music.eni, Music.mp3। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? MP3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MP3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? MP3। MP3 प्लेयर्स भी आपने सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 254, इसमें पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखिए, केबी कभी एमबी से बड़ा नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जीबी एमबी से बड़ा होता है, लेकिन एमबी टीबी से नहीं बड़ा होता, तो गलत हो जाएगा। जीबी टीबी से नहीं बड़ा होता तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सीबीएसई की तरफ से भी करेक्ट ऑप्शन यही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज्ड टू प्ले ऑडियो फाइल्स, तो जीआईएमपी करेक्ट ऑप्शन है, ये इससे हम ऑडियो फाइल्स प्ले नहीं करते। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ मॉनिटर, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इसका नेम, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और करेक्ट ऑप्शन भी हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस, तो सब सब यहाँ पे दिख रहा है कि हार्ड डिस्क इज स्टोरेज डिवाइस, उसके अलावा कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से भी ये आंसर वेरीफाई हमने कर लिए हैं, सीबीएसई ने जो अपनी की रिलीज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, देखिए अगर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की मैं बात करता हूं तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, टच पैड, टच करके इनपुट सेंस ले रहा है, सेंसर्स इनपुट सेंस लेते हैं, माइक्रोफोन हम वॉइस को इनपुट देते हैं, प्रोजेक्टर हमें क्या देता है, डेटास को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, आउटपुट डिवाइस, तो ये आउटपुट डिवाइस है, रेस्ट ऑल इनपुट डिवाइसेस हैं, तो प्रोजेक्टर इज करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा सीबीएसई की तरफ से भी ये गाइडलाइंस है। ठीक है, और ये सीपीयू, इसका आंसर सीपीयू हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के रिस्पेक्ट में करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो इट्स कंट्रोल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, इट्स कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट एंड इंस्ट्रक्ट आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेज, इट इज यूनिट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ एएलयू दैट कैरीज आउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इट कंट्रोल आर्ट एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सीबीएसई की तरफ से भी ये ऑप्शंस करेक्ट है। तो ये हमारे कंप्यूटर पार्ट का डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट हम आपको डिस्कस करेंगे अपने वर्क एक्सपीरियंस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है।